नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्धिस्ट समुदाय टेलीविजन में कार्यक्रम में अगली बैठी राज कैमरा पर्सन नारायण के साथ में थे। ये कार्यक्रम आप हर एक सोम के ऐसे हर एक अतवार के ठीक इतने समय से अधिक सकल जदि में हमन के समाज में कौन भी विकृति बा ओके हमारे चिरफार करे के और साथ में हमन के असल समाज निर्माण के लिए हमारे का करे परी और तमाने क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करे के लिए का करे परी तमाने साधन और सूत्र के बारे में जानकर दे कोशिश कर जत और तमाने जोन व्यक्ति बाटी हर एक क्षेत्र में और तमाने वर्ग के जोन व्यक्ति बाटी और ओखन से भी हमारे विचार ले कोशिश कर जत और एक साथ में कौन भी क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त कर व्यक्ति बाटी वहाँ से लेके हमारे आदान प्रदान कर जत विचार ताकि हमारे भी आगे बढ़ सकल जा। अब हर एक हमने के हफ्ता में हर एक प्रसंग में बातचीत कर जत यानी कि विचार के हमारे उठान कर जत और आज भी हमारे एक समाजसेवी कहा जी यानी कि तमानी शस्त्र में आपद बाटी चित्र रेखा थारू जोन की ओम सत्य पाँच सभी के बासिंदा होने हमारे वहाँ से लेके आज बातचीत कर जीते कार्यक्रम में अभी श्री सातलाल जी कैसे कार्यक्रम सफल बनाए के लिए आपके साथ भी आवश्यक बा। अति कार्यक्रम में हमारे स्वागत कर जी आज के हमन के अतिथि चित्र रेखा थारू आप कार्यक्रम में स्वागत बा। अति ऐसे आज कार्यक्रम में सहभागी हो गया और इतना घड़ी कौन काम में व्यस्त रह गया। हाँ सर, अब काम तो हमेशा व्यस्त रही। अब मन के काय से समाज सेवी के समाज सेवी के बावजूद भी और घर के काम काज और संस्था के भी काम काज राजनीति के भी काम काज कुछ ऐसे व्यस्त रह गए। जो राजनीति के बात कहल गल ते राजनीति में कहीं से प्रवेश कर गई। मैं राजनीति में लगभग लगभग 15-20 वर्ष हो गए सर प्रवेश के लिए। अते अब पद हिसाब से कौन पार्टी में आबद रे के काकल जाता। हाल साल तो अभी राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी में बैठी। और इससे पहले आपके जो पहले नेपाल फोरम में रहने और ये संस्था में रह के जो हमारे के स्थानीय निकाय के निर्वाचन हो चुकल और एम अभी आप उम्मीदवार रह गए। हाँ, एमन के उम्मीदवार रही पालिका उपाध्यक्ष के उम्मीदवार में रही। हम एक बाहे कहा के जता एक बाहे के छोटा मोटा बिजनेस बा कृषि बा ओकरे बाद ऐसे समाज सेवी खास करके हमन के अब अपन सोच अपन काम समाज सेवी के यूज। हाँ, तो एक तो समाज सेवी और राजनीति में प्रवेश के चुवल बाटी के कहल गेल और राजनीति में प्रवेश कैले के उद्देश्य से अब हमन के जन जनता बाटी अब हमन के परिस्थिति जोन आज घड़ी हमन के सामने बा सब जन से मुँह से ही निकलला और सब जन के मन में जे राजनीति करत बा सब जन के मन में भी यही रहला कि हमरे देखा जाता कि अब कैसे जल्दी से जल्दी हमन के धन कमाएक कैसे अब खुद जे राजनीति करत बा नेता लोगन बाटी समाज के जे अगुवाई करत बा अपने आप के बड़ा बड़ा नेता कहलात बाटी उस सब भी यही देखा चुकल बाटी कैसे एक ठू हमन के समाज सेवा राजनीति कल के देश की सेवा समाज की सेवा करे हो फिर भी न लग के ढेर से ढेर धन कमा के समाज सेवा के नाम में समाज सेवा के खोल ओढ़ के अब कहा जा मोटी रकम यानी कि ढेर से ढेर धन संपत्ति कमात बैठे ते आप ये राजनीति में लगले के उद्देश्य का होते। राजनीति में उद्देश्य लग रहे हमारे अपन सोच सबके सोच के तो हम नहीं बता पाए कि क्या सोचा था लेकिन सेवा काल के काल के अब वैसे व्यक्ति से सेवा नहीं कहीं मिली ये तो कौन संस्था में अबद्ध होगा ये तो राजनीति में अबद्ध हो तो ये किसी के हमन के सेवा करे के जनता के मौका मिली। अब जो पैसा कमाए के उद्देश्य आवा था ओकर बात अलग बात लेकिन राजनीति कहल के हमन के पैसा कमाए के उद्देश्य नहीं हो अपन बेटवा बिटिया देश विदेश पढ़ाए के उद्देश्य में नहीं हो चिल्लो गाड़ी में घूमे के उद्देश्य नहीं हो हमन के राजनीति कहल के जहाँ तक हमार समझ बसर तो राजनीति कहल के हमन के समाज की सेवा करी। अगर तुम्हारे पास टाइम बात है समाज की सेवा करे तो राजनीति करा। अभी बा कि पैसा कमाई हम पैसा कमा के दो चार पुस्तक लिए धै ले 10 पुस्तक लिए धै ले तो उस समय से तो हमन के राजनीति बटले नहीं बा समझल जा सोझे डायरेक्ट डांका बा डांका ही बा कि मैंने अब कोनो जगह पर आज आदमी जीत के जाता चाहे पालिका होस चाहे नगर पालिका होस चाहे वड़ा होस त
तब ओमन अगर ज्यादा जीत के तो वो समाज के सेवा करते जाता है। कहे से अब वो कह हमारे पार्टी हमें जिता दल से तो पार्टी ना जिता से पार्टी तो खाली टिकट दे ली अवसर दे ले पार्टी कि तू समाज के सेवा करे लायक बाट रहा तो वो अवसर दहला पार्टी अब करे के अब उस जगह पर जाके हम पहले चुनाव भरे से पहले हम सेवा कर अभी वो बड़े बड़े सपना देखे हैं बहुत बहुत बोल के बोल बोली हैं जैसे अब माए हाथ हाथ में माइक पकड़ना है तो कहीं हम ये करा वो करब समाज की सेवा कर लेकिन जब उनके जब कुर्सी पा गए ना तो समाज के जो उन्हें जो बाड़ी निकले रहने वो भूल गई ने भूल ही गए ने कि उनके धन कमाई में आ गई उनके ऐसो आराम में आ गई। तो ये हिसाब से अगर जनता हम उनके देखें अगर हम उनके जनता चाहें तो ये जैसे कहे के लिए उदाहरण के लिए हमने के भारत सरकार से योगी या मोदी योगी मोदी का है कि उन्होंने पास के धन कमाए के आखिर उन्होंने पास कमा सकें उन्होंने पास अपन घर में हुई अपन बाल बच्चे खुद के नहीं हैं तब वो छड़छिमे की अपन नातेदार तो होबे करिए तो उन्होंने के लिए धन कमा सकें जैसे केहू हो सकल राजनीति वाले शादी नहीं कैले बाटे तो वो बाकी अपन शादी नहीं कैले बाटे तो हमारे बीबी बच्चे नहीं बाटे कहके लेकिन दूसरे के लिए तो कमा सकें तो वो अनुसार से अगर हमन के राजनीति में जाए जा अथवा कोनो संसद हम अबद्ध हो जाए जा तो हमन के देश के विनाश बा ओकर विकास नहीं बा। तो जौन हमन के अब जौन पैसा कमाए वाला आ गए जौन समाज के सेवा सपना जनता के सपना देखने कि हम सेवा करें तो उन्हें न उ जनता के लूटे न ओके कह जला डांका तो कुछ लोग ऐसा बाटे जीत के डाका बन जाए बकिन का आजकल अब का होता बाकी हमन की ठीक उल्टा हो गई बा जिससे अब सेवा सेवकाल के हमरे अब निस्वार्थ भाव से दूसरे के हमरे सहयोग करे के भावना रखल जा फिर भी अब हमरे जे जे के देखा जाता कौन भी पार्टी में आबद बाटी अब कितनों भी बाटी फिर भी जो हमरे बात कह चुकल बाटी अब स्टार्टिंग में जब रणनीति में लगी हैं एक ठो सस्ता वाला चप्पर पहन के घूमत रही हैं फिर भी जब निर्वाचित होने के बाद यानी कि चुनाव जीतने के बाद कौन भी पद में होदा में रहा फिर भी अब एक ही वर्ष बीतत न बीतत के वो सब अथाह धन संपत्ति कमाने ने अब सिंपल घर ना हो के पहले तो अब झोपड़ी किया सामान्य घर रहे फिर भी अब हमारे हर एक जन के देखा जाता एक टू अब अंडरग्राउंड यानी कि करोड़ों के घर बना बाटें और हर एक जगह में घड़ेरी जगह जमीन किनत बाटें विदेश में पैसा रखत बाटें और अपन जो बेटो बेटी बाटें विदेश में पठात बाटें और अपने के हल्का कुछ रोग लगले पर अपने भर ना जाके जो अपन नादवाद बाटें अपन घर के परिवार बाटें सबके भ्रमण करात बाटें हुए बहाना में ते अब जनता जो जो व्यक्ति बाटें और जने बाटें समाज के जो व्यक्ति बाटें सब जने एटू देखत बाटे कि अब राजनीति का है ते धन कमाना एक ठू बाटो यानी कि रास्ता कह के खुला आम जे राजनीतिक बा अपने आप के कुशल राजनीति के कहलात बा कहुआत बा उहे देखात बाटें यानी कि अपन परिचय अपन ही देत बाटें वैसे ते जो आप कह चुकल बाटी कि हमन के राजनीति काल के दूसरे के सेवक करे हो हमन के अपने के शासक नहीं कि हमन के दूसरे के एठू सेवक बन के रहे हो और समाजसेवी काल के हमन के दूसरे के सेवक करे हो फिर भी अब समाजसेवी के नाम में समाजसेवी समाज के अभियंता के नाम में या हमन के नेता के नाम में जो हमन के जनता के भ्रम में रख के लूटत बाटें अरबों खरबों संपत्ति कमात बाटें ते अब हमन के अब सीधे उहे सब अपन परिचय अपने दे बाटें और हमन के भी कहे बाध्य बाटी कि राजनीति का है एटू धन कमेना रास्ता कहे से अपन परिचय अपने दे चुकल बाटें ते जो आप हर बिहारिक परल उपाध्यक्ष में कौन भी पार्टी में पार्टी से अबदरल गए फिर भी अब मा आपके कहा लगत बा कौन हिसाब से आपके प्रचार प्रसार में कमी होल या आपके कहा जा कि अब और जने बाटी अब लाखों करोड़ों जो खर्च करत बाटें कहा जा कि आजकल के चुनाव ते पैसा हो ते कौन हिसाब से आप सफल हो नहीं सकल जैसा लागत आप कैसन फील कर जाता अब सफल हो के कह के एक किस्म से देखा जाता है अब हमन के जो पूर्वज के बात है उनके एक ठो कहावत बा कि नसीब नहीं बा तो एक ठो मान लिया जाए नसीब की हम पैसा खर्चा करे के हम बहुत पैसा कम खर्चा कर रही हो सकला उससे हो सकला पहचान न हो उससे हो सकला मैंने जो जैसे प्रतिस्पर्धा भइल है वे तो हमसे ज़्यादा जानकारी भी हुई उनकी मैंने जब प्रतिस्पर्धा में जब जीतल है प्रतिस्पर्धा कहे मिली मैंने हमारे ओम सत्य भर में नहीं और जगह हैं तो प्रतिस्पर्धा कर वो अब बहुमत उनके ज़्यादा आ गई हो सके उनके भीतरी से अथवा कोनो पार्टी के गठबंधन रहा हुई अथवा
दिखावे के लिए दूसरे पार्टी से गठबंधन रही, अंदर से और पार्टी के गठबंधन रही, लेकिन हमन के जब कहल के कि जो प्रतिस्पर्धा अपन मने हम बात करता थी ते जैसे हमसे केहू आगे निकल गए हम पीछे हो गए, लेकिन हमें वो फील ना ही बा सर कि वो फील ना बोला कि वो हमसे आगे निकल गए हम पीछे हो गई, वो जीत गई ना हम ना जीतली, ये फील हमारे अंदर ना ही बा। हाँ जहाँ चार ठौरा छः ठौरा सात ठौरा लोग बाँटे एक मैदान में उतरल बाँटे तो जीती तो एक के मिले जीती, अगर पाँच ठो बाँटे एक मिले जीती तो चार ठो तो आखिर न्यूट्रल रह कि नहीं वो हारबे करिए वो हारे कहल जाए अथवा प्रतिस्पर्धा में कहल जी अथवा नसीबे नहीं कहल जी ओके तो वो फील हमारे ना बा। हाँ आगे आए वाला दिन जौन बा हो सके अगर पार्टी टिकट दे हमें भी तो निकल सकीला, सेवा करे के मौका मिली अपन अंदर क्षमता बा कि अगर हम जीत जाब तो जनता की सेवा करब, इन्हें कि बाकी हम जनता के अब जौन है जनता वोट दिला सब जनता के साथ ही विश्वासघात करी तो वो अंदर हमरे नहीं बा। बकिन का एक बात हमरे अब जो निर्वाचित हो चुकल बा ते उस सब का कहने कि हमने लग क्वालिटी यानी कि हमरे क्वालिफाइड रह गई तब जीतल गई कहीं ते आप कहने के का कह सहल जी कि जितना जीतल बाटी सब क्वालिफाइड होने नहीं सर ये हम नहीं कह सकीला। वो एक ठो रहा कोनो व्यक्ति से वोट पावला कोनो पार्टी के ऊपर वोट पावला, जैसे अभी हमारे यहाँ जौन बा नेपाल में तो दुई पार्टी बड़ा बा एक ठो एमाले एक ठो कांग्रेस, ये दुई पार्टी बड़ा पार्टी मान जाला और बाकी पार्टी छोट पार्टी मार जाला, तो वो व्यक्ति से क्वालिफाइड से उनके उनके अभी तकले बीच में नीचे आता थी वो व्यक्ति कौनो घरे घरे उनके नहीं चिन्हले रहा है, सिर्फ चिन्हला से तब वो खाली पार्टी के माध्यम से चिन्हला से तो वो अपने आप के कैसे कह दे कि मन हम उनसे होशियार बाटी आओ उनसे ज़्यादा बाटी इत कहे वाला संभावना नहीं। हाँ वो लहर आयल है वह समय आवाला कौन जनता जैसे जैसे नदी के पानी आवाला बाढ़ आवाला तो धारा आवाला दूसरे और अचानक कौनो और बालू हटा के ओहर बह जाला, बस यह हुक है और हम यह जानत हटी कि हाँ ओहर से आयल नदी के लहरा आयल बगली आ गई है बस इतना ही हो गया, तो चांस की बात चानस हो गए चानस मिल गई तो आ गए हम आ चानस पहले थे हम ही आ गए होती केहू भी हमारे जगह चानस पहले तो वो आ गए तो वो चानस की बात होके वो एक तो तकदीर है समझ की समझल जा कि तकदीर के तो पार्टी के देन जनता के देन हो सके जनता कहले हुई कि इनके इनके आपसी पारी इनके जनता यह कहले कि आपसी पारी इनके अवसर दिया जाए देखल जाए पाँच छः साल तो देखल जाए हर एक जनता के मुँह से यह रहा पाँच साल देखल जाए इनके ना यही है तो बाद में दूसरे कह जाए तो जनता पाँच साल देख ला अवसर पाँच साल अवसर दे ली जनता ना कि लूटे धन लूटे कर दे ना दे जनता केहू भी चाहे ओड़ा पालिका अध्यक्ष रहे चाहे उपाध्यक्ष रहे चाहे ओड़ा अध्यक्ष रहे चाहे सदस्य सदस्य मैंने कहा करी सदस्य एक बहुमत के हिसाब से साइन करे जाने और तो कुछ नहीं करना है फिर भी वो एक जनता उन्हें चांस दे ले पाँच साल की जनता हमारे बीच में ई आके ये व्यक्ति यह लायक बा आया कि हमारे बीच में करी का अब वो जगह पहले पर हम पहले भी कह चुके सर कि जगह पहले पर वो कहीं दूसर सोच ले तो उनके बात बा। हाँ ऐसा आपके नहीं लग कि जैसे अब यदि हम जीत गए होती तो इतना काम नहीं कर सकले होती कि कब सोचल गला ऐसे ज़्यादा काम कल गिल होत कि ऐसे कम इतना जो काम होत बा जे निर्वाचित हो चुकल बा उतना काम करे सकल गिल होत कि उससे ज़्यादा काम आपके कैसा लगा ला कुछ महसूस हमें लगा ला कि धन कमावल बिजनेस सुख है, धन जब कमाए खोला तो आदमी बिजनेस कराला आराम करे खोला तो नौकरी कराला नाम कमाए खोला तो राजनीति कराला तो पैसा सब कमाला धन सब कमाला सब कुछ कमाला लेकिन नाम बहुत कम लोग कमाने काहे से जब तक पाँच साल के कुर्सी रहा तब तक आदमी नाम कमाला कि ये कमाला वो नाम जे धराला मतलब जे जनतम विकास नहीं करी वो पाँच साल कमाई आ जब वह नाम कमाए करते नाम कमाए करते सबके अवसर नहीं मिलाला धन कमाए करते अवसर मिलाला नाम कमाए करते अवसर नहीं मिलाल तो नाम कमाए करते जब जनता की सेवा करी तभी भी उनके नाम चली। बगिन कितना करी हमारे कहा देखा जाता है जब निर्वाचित भैल बा चाहे उपमेयर हो चाहे अब मेयर यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कोनो भी पोस्ट में बाँटें राजनीतिज्ञ अपने आप के कुशल राजनीतिक कारण बाँटें वो सब ई हिसाब से नाम कमात बाटे कि उनके घर इतना करोड़ के बा इतना उनके गाड़ी इतना महंग के बा इस हिसाब से नाम कमात बाटे तो हमारे कैसे कहा जाए कि एक राजनीति नाम कमाए वाला
हमारे के एक टू पैसा के किए वो नाम नहीं कमाने वो जनता के गालियाँ खाने वो जनता जी काम करी जे नाम कमाई काम करी जनता की सेवा करी वो अपने आप के वो खुद अपने मूल्यांकन नहीं करी वो जनता मूल्यांकन करी। जब आदमी सुंदर रही जब आदमी धनी रही तो वो हर एक चौराहा पर ही नहीं सोची हमारे इतना संपत्ति बा ओके जनता खुद मूल्यांकन करी कि फलाने बाबू और फलाने बहनी इतना इनके इतना संपत्ति बा। एक तो उदाहरण के लिए देखा जाए अष्टभुजा चौधरी हो गए उनके इतना संपत्ति बा वो पूरा चर्चित बाट है खाली जिला भर में नहीं पूरा नेपाल में चर्चित बाट है। वैसे जो सुंदर रही ते अपन फोटो फेसबुक में नहीं डाली ओके खुद जनता कही कि ये आदमी सुंदरता बा तो वही किस्म के जेके नाम कमाए बा तो जब जनता की सेवा करी जनता के काम करी जनता के दुख पीड़ा बूझी तो क्यों खुद जनता करी ये नहीं कि मैंने आज हम फेसबुक में कहीं गमला में बिरुआ लगा दहली पानी डाल दहली है तो ये फेसबुक में डाल दहली फलाने होने आधा छोने अथवा पता छोने और आधा छोने के भी भाई कौन मंत्री भी भाई नहीं आ सकन है उद्घाटन के लिए शिलान्यास करे लिए दो पत्थर पे दुठो एक ठो सीमेंट बालू धाई धने ईटा धाई धने तो के का कहना फलाने भवन बना दे तो वो कहले ना ही हो रहा कहे ना आज के जमाने में का एक ठो खान कहे जाते रही सर कजरा लगौले से गुण ना ही रहा ला वो वहाँ मटकौले से गुण रहा ला तो वो कहे कि बाड़ी बोले कि सबके आवाला लेकिन कर्तव्य निभाए क्यों नहीं आवाला कह रहे मम्मी मम्मी डैडी कहलाने से कोई मम्मी डैडी नहीं हो जाता है मम्मी डैडी के फर्ज निभाना पड़ता है। तो वही किसी के कौनों भी राजनीतिक दल में हो अथवा फिलहाल के लिए हमन के ही सोचल जाए कि हम आज संस्था में बाटी तो संस्था हमें खाखिर डोनर लोग पैसा लगावत है काहे लगावत है जनता की सेवा करे लाए काहे से वो अपने खुद आक नहीं लगा पावत है एक तो मध्यम उन्हें चाहिए तो मध्यम से पैसा लगावे करते तो जब आज हम जनता की सेवा करब तभी वो डोनर हमें पैसा दे फिर तो वही किसी से हर एक कौन भी राजनीतिक हो संस्था हम पहले कह चुके सर कि राजनीतिक हो संस्था हो तो एक तो सेवा करे के अवसर मिलल तो उसके सेवा कहके देखावे के चाहिए ना कि पैसा कमा के धरे के चाहिए ना कि एक ठोरा फेसबुक में आजकल एक खाली एक चले गए टिकटक बनाए वाला अरे टिकटक में जितना देना उना सही नहीं होला फेसबुक में जितना देखे ना वो भी सही नहीं होला झूठो भी तो डाल सके ना और जो हमन के पाँच वर्ष में हमन के समाज परिवर्तन हो कि नहीं सकल फिर भी जो अब आप सब मिलके जीताल गए बा और जो हमारे गाँव पालिका कहल जा या नगर पालिका कहल जा और उस सब पाँच वर्ष में समाज परिवर्तन करे सकी हैं जिस लगात आपके विचार में कहा मन कि समाज परिवर्तन हो सकी कि ओखन के घर भर बदले सकी कौन से गाड़ी भर बदले सकी हो गए तो समाज परिवर्तन हो गए सोच परिवर्तन नहीं हुए तो समाज कबू नहीं परिवर्तन हुई कहने आज के युवा वर्ग कल के पहले के रहना अब का एक किस्म से देखा जाए अब 60 वर्ष तक पेंशन पावत अटे 80 वर्ष तक मंत्री बनत अटे तब जब सोच नहीं सही बा कहना कर सोच भला तो हो भला जब सोच जब तक नहीं बदली तब तक हम ये नहीं कह सकब उनके सोच कितना बा ये तो हम नहीं जानत हटी केहू भी चाहे पालिका हो अथवा नगर पालिका हो अथवा गाँव पालिका हो वड़ा हो तो ये हम नहीं कह पाए कि वो विकास कह सकें हो सकल कह सकें ना हो सकल नहीं करें एमन तो हम नहीं कह पाए अब जनता देखी वो करे अब ये करे वाले अब सोचे कि अच्छा सोच लिए तो उसे अच्छा करी है नहीं सोचे नहीं अच्छा सोची हैं तो उस जो 5 साल गई चली गई वो 5 साल में हो सके और नीचे आ जाए लो स्तर में आ सकाला भी हाई स्तर में भी जा सकाला अब कैसे कहेंगे सर दूसरे मन की बात है दूसरे नहीं खाए खुद के अपन मन नहीं आदमी समझ पावला कि हम का करे जाते थे का करी तो दूसरे बात तो बतिए छोड़ दिया जाए। यदि आप निर्वाचित हो चुका है तो उतना समय में तो कैसन काम में आप के सोच रहे कि हम ये काम में जोड़ देती विकास निर्माण के लिए हमार तो सोच बहुत रहा है अब ना अली तब वो तो अब कहरे भर से तो ना हुआ अभी ये आ जाए कि अब ना निकल पाए सीट ना निकल पाए तो इन बड़ी बड़ी बातें करते रहे लेकिन जितना सोच रहे कि अपने क्षमता से ज़्यादा सोच रहा है पहले भी हम यहाँ जो है आपके कैले रही है वही बुद्ध टेलीविजन में आई रही कि अगर हम निकल जाबे तो जितना सोचल नहीं बटी उससे ज़्यादा हम विकास करब हम विकास करब हम एक दूसरे के दर्द पीड़ा बुझब हम तो कैले लेकिन जब ना निकल तो अब बेबस बाटी चाह के भी नहीं कह मिली निकल होती नहीं चाहती जौन काम तो वो काम कर लेती अब ना निकल बाटी तो नहीं कह पाई अब उस सबके सोच जितना करिए करिए कैसन अब दूसरे जिम्मा ले मिली आप एक समाज से भी
सुन आपके ये समाज सेवा में आपके मन लगे लगल ते आपके विचार में आपके उद्देश्य का रहे उतना समय में जो आप कहा जाते हैं हम बिजनेस में छोटा मोटा कर लगे कि एक बिजनेस मैन होते हुए भी एक व्यापारी होते भी कैसे कि समाज सेवा में आपके मन लगे लगल समाज सेवी में मन यहाँ से आयल है कि अपने अंदर एकदम समाज के भावना समाज के सेवा करे भावना रहा है। समाज में इतना उठिया कि एक ठो गृहिणी महिला होते हुए भी हम चर्चित रही। चर्चित कैसे होवे घर से व्यापार से इतना ही चर्चित हो, कृषि से इतना ही चर्चित हो, खाना बनाने से इतना ही चर्चित हो और कुछ काम करे से नहीं। तो यह सोच के आए कि मैंने राजनीति में अगर अवसर मिल जाए तो नाम भी चर्चित हो जाए और फिर भी समाज सेवा करे मौका मिल जाए। कौन हिसाब से समाज से में और जो ना या राजनीति में लागे सोच रखे आपके उतने समय में बस ये समाज की सेवा करे के नाम कमाएगी। हाँ बाकी जो ना लगल बाटे राजनीति में हमारे कोनो को नहीं देखा जाता कि वो सब समाज से वर्कर बाटे। अब वो सब के समस्या वो सब जाने आपन सोच के ना हम बात बतावत वो सब के समस्या। अब वो सब कौने उद्देश्य से निकलल बाटे राजनीति में धन कमेले के उद्देश्य में बाटे, नाम कमेले के उद्देश्य में बाटे, सेवा कैले के उद्देश्य में बाटे कि पार्टी में आबद्ध हुई तो पार्टी के हलो हाय कर हमें दो चार लोग चिन्हिए इस उद्देश्य से प्रवेश कैले बाटे अभी हम तो नहीं बतला पाई। समाज परिवर्तन करे के लिए हमने के कौन कौन चीज़ में जोर दे का आवश्यक बा, यानी कि हमने के समाज के जो विकृति बा अब हरेक जो आजकल हमारे व्यक्ति के देखा जाता लहर चल चुकल बा कि हरेक जन हम राजनीति करे लगे घर बढ़ाई पार्टी में बाटी अब दही पार्टी में अब हरेक जन जो समाज निर्माण के ओखन के बाहर के अब कोनो भी हमारे मंच में देखा जाता नेता लोगन के ते ओखन के मुँह से निकल समाज परिवर्तन करब यानी कि हम के बोर्ड हम ऐसा करब कहीं के फिर भी हमन के समाज में कौन कौन चीज़ आवश्यक बा ताकि हमन के समाज असल हो सके आपके विचार में। अब हमारे विचार में यह बा कि केहू के अब एक ठो आयल बा कि फूल को आँखा माँ फूल संसार है, कांड़ा को आँखा माँ कांड़ा संसार। जब तक हमन के सबके एक बराबर नहीं देखल जी हमारे देखने में समाज के परिवर्तन नहीं हो जाए। काहे से कि जब हमन के जब माइक जब पकड़ा ने बड़ा बड़ा मंच पर जान नेता लोग भाषण करें शायद जहे जे भी जब माइक पकड़े तो उस समय पर भाषण करिए तो कहिए कि पूरा एक ठो आ गया कहिए कि महिला पुरुष एक बराबर। लेकिन महिला पुरुष जे माइक पकड़ के जो भाषण कैले वो खुद भी अपने बराबर अपने औरत के नाई लाइल बा, बेटवा के बराबर अपने बिटिया के नाई लाइल बा। कहे ना कि अब केहू कांखा केहू पांखा बेटवा के कांखा बिटिया के पांखा कही देने तो वो अनुसार से समाज में परिवर्तन हुई। जब बेटवा बिटिया एक बराबर जानल जाए तब परिवर्तन हुई, जब एक दूसरे के सहयोग कही जाए तब परिवर्तन हुई, जब एक दूसरे के सलाह दिहल जाए तब परिवर्तन हुई, एक दूसरे के कोनो काम में जैसे आगे बढ़ा तो उसके पीछे टांग पाकल जाए तो वो टांग खिंचत खिंचत वो आज समाज यह अवस्था में आग पहुँचल बा। जब धकेला जी तभी तो वो जो है आगे बढ़ी वो कुछ काम कही के दिखाई तभी तो उनके देखी देखा ना कि वो देखा अब देखा जा कौनो काम कही जाता अच्छा काम कही जाता कहीं हे फलाने ऐसा काम कही नहीं है वो अच्छा ना है वो उनके कैसे हमारे नीचे गिरावल जाए तो वो अनुसार से समाज कबो नहीं परिवर्तन हुई। हाँ वो कैले बाट उनके देख के हमहूँ करी ये फलाने अपन बेटा बोर्डिंग में पढ़ावता फलाने अपन बेटा जो विदेश पढ़ावता तो हमहूँ वही देख के हम मैं बोर्डिंग में पढ़ाए माई आठ बार तो सरकारी स्कूल में तो पढ़ा सकी ना लेकिन ओके अवसर दिए पर जब तक अवसर पहिए नहीं बेटवा बिटिया अथवा युवा लोग अथवा कहूँ कौनों चीज़ में तब तक समाज के हमारे देखने में समाज की परिवर्तन नहीं हुई। हमन के समाज परिवर्तन करे के लिए कैसन कैसन कार्यक्रम करे के आवश्यक बा। अब हमन के समाज परिवर्तन करे लिए जैसे आपके यहाँ अगल बुद्ध टेलीविजन एक देखे अब अवसर मिले चाहिए बोले कि हम ये काम करबें अथवा अपने वो अंदर जौन बाटे युवा वर्ग लोग अपने अंदर एक क्षमता रखे कि हम ये काम कहीं देखाए नहीं कि ऐसा अब ऐसा होला कि अब आजकल एक थारू डांस चलल बा। अब थारू भाई लोग अब दीदी बहनी अब जे हो चली बेटियाँ नथा नली हैं लेकिन वहाँ खाली हमन के कोनो भी कार्यक्रम हो तो का एक हमने के थारू के बिटिया वहाँ डांस करे बाटे बाकी नहीं बाटे बहुत लोग बाटे लेकिन अब वो बहनी लोग का सोचे पढ़ते हुए भी खाली डांस करे के अवसर नहीं मिला ला करे डांस करे भर के पढ़ाई के लिए नहीं कर जला।
हाँ वो डांस करा लेकिन एठो कौनो एठो जैसे खिचड़ी मान गेल हमन के खिचड़ी सबसे बड़ा प्रोग्राम ठीक है खिचड़ी में डांस कैला अब वहाँ जाके जौन है हजारों मने में डांस करिए आ कहीं बोले परी तब ऐसा मुँह पीछे घुमा ली हैं अथवा आजकल लगा बताटे आप सब मास्क लगा बताटे मास्क लगा हमें को पहचान नहीं पाए ये कही लेता है तो जब तक हमने के अपने अंदर क्षमता नहीं रखा जाए कि हम ये काम कई के दिखाए तब वो समाज के परिवर्तन नहीं हुई काहे से एक दूसरे से डराइले से एक दूसरे से लजाइले कि समाज के परिवर्तन नहीं हुई और न कि और खुद के अपने मन में हावी बोल जाता कि ये काम हम नहीं कह पाए हाँ ये हो चाहे अंदर कि हम ये काम कई ले में कई पावा ना कई पाओ तो जब जगह पर जाए तब काम कई ले न कहना कि जब हम चाहे जितना पढ़ा लिखल रहे चाहे जितना संपत्ति रहे जब अवसर नहीं पाए तो बोली नहीं जब अवसर पाए तबे बोली और हमन के समाज में कौन ऐसा विकृति तमाने बा ते युवा लोगन की कितना भूमिका हो चाहिए जिसे लागत जो हमन के समाज की विकृति हटा के लिए युवा लोगन के भूमिका हमन के समाज में हमरे देखले में 95% हो चाहिए काहे से 5% अब जौन रही जौन हमन के बा अपन संस्कृति कल्चर दुनियादारी जौन बा ओके सिखावे लिए 5% हो चाहिए देखिए ये रही कि अब 100% बोल दे 100% युवा हो चाहिए तो हमन के कल्चर ना बुझ पाई हैं कैसे ओहू के साथ साथ जब अब 95% युवा लोग रही हैं तो 5% जब हमन के जब ज्येष्ठ नागरिक लोग रही हैं तो उन्होंने से तो सीख मिली तो वो सब जब सीखे तो युवा लोग हाँ ये चीज़ होता ओके बाद ओके साथ साथ भी जौन हमन के बुजुर्ग लोग बाँटे ज्येष्ठ नागरिक लोग बाँटे जब युवा लोग हाँ हाँ कहता था कि हमारे के समाज परिवर्तन कर जी हम ये काम कहीं देखा तो वो सबके ये लगे कि हमार जौन हम दहली है वह जौन अपन दहली अपन सलाह शिक्षा जौन दहली है तो वो लागू हो गए कहीं की उन्होंने पास के कुछ मनोबल बढ़ी तो आगे जाके और कौनो ढूंढिया जैसे गाय वाला कौनो कौनो चीज़ हरा गई बा तो वह ढूंढिया कि हाँ अब आए वाला समाज जौन है हमन के युवा लोग जौन है लागू करत हटे तो वह कुछ ढूंढिया और दी हैं हमें ऐसा लगा रहा था जो यहाँ निर्वाचन में कौन हिसाब से जो हमन के समाज के व्यक्ति बाटे कहन के कैसे रास्ता देखा जाता अब आया वाला निर्वाचन में अब देखावल जाला तो शायद जी चाहत हुई वो जगह नहीं पावत हुई शायद जिनाय चाहत हुई वो जगह पावत हुई जब कौनो जगह जब छोड़ अब तभी तो दूसर मिला ले ही तो आए वाला निर्वाचन में अब आपके मंसिर चार गते के निर्वाचन में अभी आवा था कि जितना विधा संसद में लड़े वाले बाटे एवं सब करीब आपके 50 वर्ष से ऊपर हुई हैं युवा लोग पैबा नहीं कहने युवा लोग के छोड़ा था कहीं कहीं शायद ओके उनके देत बाटे तो विधायक में देत बाटे तो जब घर ही जब सीमित रही हैं तो वो कैसे परिवर्तन कहाँ से आई जब मंत्री 80 वर्ष तक रही हैं मंत्री 60 वर्ष तक रही हैं मंत्री आपके 100 वर्ष तक तनाई हुई हैं तब फिर भी ज्येष्ठ नागरिक में 50-60 से ऊपर गए ज्येष्ठ नागरिक में गए तब कहाँ से विकास कहाँ से युवा लोग जब पहले नहीं कहते विकास कैसे उदाहरण के लिए एक बालन शाह जीतरवा काठमांडू जैसा नगर पालिका में आखिर युवा ना ही रहा तो आज उनके जगह पर बालन शाह के जगह पर कौनों अगर वृद्धा रहा हो तो शायद उनका काम नहीं करल हो इतना समय पुरान पुराने समय जब उन्हें हेराइल चीज निकालत अटे तो युवा रहे तब नहीं करने अगर उनके देखी देखा हो अगर सब युवा जो सीख ले तो सोता है मन के देश के परिवर्तन हुआ नहीं सीखिए तो ये जौन करत अटे तुम करते ए हमसे ना मतलब यह बात याद ए वो करत अटे हमसे काम मतलब उन्हें करे दे लेकिन ये बात तो गलत हो गई है ऐसे वो करत अटे वो करत अटे तो हम कैसे कर देते अगर वो 4 कदम चलत अटे तो हमें 10 कदम चले के तभी तो हम आगे बढ़े तभी तो देश के परिवर्तन हो नहीं वो करत अटे ऐ करे तो जे करते जे करे तो हमें नहीं हमसे नहीं मतलब जब मतलब नहीं तो देश के विकास कहाँ से हुई देश के परिवर्तन कहाँ से हुई जब मतलब युवा लोग रही तब युवा लोग की अब यह बाकी जब पढ़े के साथ साथ है हमें सामाजिक वातावरण बुझे चाहिए तभी समाज के विकास हुई तभी समाज के परिवर्तन हुई तब हमारे देश के विकास हुई तब युवा लोग अगर ये चुचाह दें तब शायद हमन के देश स्वतः बनल बा परिवर्तन हो जाए युवा लोग नहीं चाहिए तो कहाँ से परिवर्तन हो अब वृद्धा लोग बाटे जो है बस 40 वर्ष तक ले हमन के मानो जीवन 60 वर्ष तक ले कुकुर के जीवन गधा के जीवन 80 वर्ष तक ले गधा के जीवन
तो जब 60-50 जब 40 मानो जीवन में जब नाई कुछ कही ने तब गदहा जीवन में का करही है। तब वह बेटवा पढ़ावा, बिटिया पढ़ावा, नाती पढ़ावा, ये उनके खातिर कुछ धई ले, कुछ हमारे बाद औरत कुछ खइया जिये वो आ गए, कुकुर के उम्र लग गई, लगा साठी कटाव कुकुर के लग गई तो भूखे शुरू हो गए, हमें ना कमा के धैले बाटी, हमारे बाद दौला से ऐसा आराम करा था काहे कमो नहीं करा था ये आ गए, तो कहाँ से देश के परिवर्तन हुई नहीं हुई। जब युवा लोग यह कमो कर रही हैं तभी तो परिवर्तन हुई हमारे देख लेंगे। कल के मतलब कैसन व्यक्ति के अमन के नेता बन रही थी अमन के पास युवा पढ़ा लिखा हो, युवा हो, बोले कि जाना उनके क्षमता हो, वैसा तो अब कहा जाला कि अब राजनीति उनके नेतृत्व करे के शक्ति हो, दुई बात बोलले से बढ़िया चार बात सहले के क्षमता रहे उनकी। अब केहू के कह दिली अंगुली देखा दिली है फलन मनाए नहीं बा, उल्ट के वो आदमी तो अंगुली दिखाई, तो ये नहीं कि अंगुली देखा दिली अंगुली फिर अपने और देखे करते हमें क्षमता ना हो, तो वो मेरे के रही तब नहीं हुई। हाँ उनके हम चार बात जब कहे वाला बाटी तो हमें 10 बात सहे क्षमता रहे, हम दुई गाड़ी दिली तो 4 गाड़ी सहे हमें क्षमता रहे, वो मेरे के अगर व्यक्ति रही तो समाज की सेवा भी करी, समाज के विकास भी करी, परिवर्तन भी। आज बालन शाह के हजारों लोग गरियावत हटे, गालियाँ देता हटे, बालन शाह अच्छा नहीं बा, लेकिन लाखों आदमी उनके प्रशंसा करता हटे, गलती काम करता था भाई गाली देता हटे। एक दिन वह कही वह जे आज गालियाँ देता बिहान की वह कही कि अच्छा काम कहीं ना, उदाहरण के लिए जैसे पाली नंदन मेठू पालिका अध्यक्ष जीता रहने हैं, अब सड़क लगने टूरवाए तब कहा था वो ना ही निक बाटे इनके बेकार में जिता दी हल गई, और जब सड़क फरकीलो हो गई आवे जाए के कोनो दिक्कत नहीं बात कहा था वह बढ़िया हो तो कहा फिर जीत गई ना, नहीं फिर वो वक्र उजन तो नहीं जीता उन्हें, तब वैसे अब ना ही कि भाई अब एक ठौरे काना फूसी करा, जैसे अब नेता में अब हम राजनीति में अथवा संसदा में जीत गई गई तो न कि ना तो बात खाली जात भाई जी ने, हम इनके सबके बराबर देखी है कहे से सब मिले हमके राज जगह वोट देगा, अब ना ही जो दहली हुई तब वो कहूँ से कहूँ आशीर्वाद में दहली हुई है तब वो दहली हुई हैं, सामने दहली हुई दिल से दहली हुई आशीर्वाद हो सकाला, जरूरी थोड़ी बाकी वोटर भर से जीत गए, आशीर्वाद से भी तो कहा कहना पहले पुरखा के आशीर्वाद लिया जाला, अपने कुल के आशीर्वाद लिया जाला, तो अंदर से भी तो आदमी आशीर्वाद देला भले उनके विरोधी हो तो गए फलाने जीत जाता था बढ़िया आशीर्वाद हो गई, तो हमन के ना कि आज जीत गई थी अथवा आज संसद हम बाटी तो यही हमारे संसद हो हम अपन मनई चीन के करी, तो ये तो राजनीति हो गई, कहाँ मन विकास भइल है, कहाँ मन परिवर्तन भइल है, हमन के सबके एक बराबर देखे खोज, अपन अपने आदमी हो दूसरे का आदमी हो, अपन जात हो दूसरे जात हो, ये ना देखे वो हमन के सबके बराबर देखे तब देश के परिवर्तन हुई। लेकिन आज के राजनीति में का बा, वो हमारे पार्टी खून है, वो हमारे बिरादर की खून है, ये आवा जाला। अब यही देखल जाए अब एठो पहाड़िया समुदाय में मधेसी समुदाय कही है सोझे कही है कि ये देसी होख है, ये मधेसी होख है, लेकिन हमन के जितना ये मधेस में बैठे वाले बाटे वो सब मधेसी, चाहे बावन छतरी काहे ना हो, चाहे थारू मगर गुरुम काहे ना हो, चाहे मुस्लिम या अन्य जाति मधेसी काहे ना हो, लेकिन सब तो मधेसी हो जाएगा, ऐसे मन के मधेस के उपजल अन्न जल खा जाता तो मधेसी हो गए, लेकिन अपने आप के सब क्षेत्रीय समझाला बावन समझाला दुनियादारी समझाला तो एक किस्म से कबू नहीं परिवर्तन हुई, ऐसे कि उनके नज़र में बिरादरी बा, उनके नज़र में जातीयता बा, उनके नज़र में जौन है एक ठोरा बा, उनके नज़र में दूसरे के जैसे गिरल बा कि मनु वो हमसे छोट बाटे, देखिए कहने अब शिक्षा तो बा शिक्षित ना बाटे, शिक्षा तो सबके पास बा, पढ़ने लिखना शिक्षा पौन है शिक्षित ना बाटे, एक दूसरे के सम्मान एक दूसरे के प्यार दिए नहीं सकना, तो इससे देश के परिवर्तन बहुत हमारे देखे तो बहुत डमाडोल बा, वैसे भगवान जाने अब हो सके कृष्ण कान्हा जी के वो लागे चमत्कार हो जाए, जैसे कि महाभारत में युधिष्ठर जन जीत है जीत गए ना, हो सके हमन के नेपाली जनता भी जीत जा। और अंतिम में जौन हमन के दर्शक बाटे समाज परिवर्तन के लिए कुछ कहे साहब जी, समाज परिवर्तन के लिए अभी है कहा कि अब सबके एक बराबर ताकल जा, युवा लोग आगे आवे, युवा लोग पढ़ले भर से ना ही होला, डिग्री कैले भर से ना ही होला, बोले के क्षमता चाही, कहा कहीं हमारे ना ही आवाला, आई कैसे कहने गाते गाते गला और नाचते नाचते कला, तो जब आदमी बोली जब आदमी स्टेज पर आई जब आदमी ओके प्रतिस्पर्धा करी तभी उनके आई, अब कहा जा कि है हमारे ना या वाला हम ना जा पाए बोले, अरे बिगाड़ी नहीं तो बनबो नहीं करी,
जब छोट बच्चे रहे ना तब अंगुरी पकड़ के निगाम जाला छोड़ दिया जाला तो गिर पड़े लेकिन उठे कोशिश कराला फिर गिरल एक दिन वह बच्चा मसाल बन जाला। वैसे युवा लोगन से यह प्रार्थना करब कि पढ़ले भरसनाई होई आप सब कहीं भी कौनो भी खेल दौड़ कौनो भी प्रतिस्पर्धा रहे तो ओमन भाग लिया जा अपने देश के परिवर्तन कल जा विकास कल जा सुधारल जा हम यह कहबे। कार्यक्रम में आपके अमूल्य समय के लिए हृदय से धन्यवाद देख जाता। धन्यवाद सर हम बुद्ध टेलीविजन के अपने हृदय से धन्यवाद देते बाटी या प्लस राज सर के आपके भी धन्यवाद देता थी। जाते जाते हम यह कहा फिर से हम विनम्र अनुरोध करता थी युवा संगठन हो विद्यार्थी भाई बहनी हो कि आज के दिन में डराए वाला ना हो हटे वाला ना हो डटे वाला हो डट के आप सब काम कर जाए। आप सब एक तो अपने नेपाल के लिए मसाल बनल जाए नेपाल के देश नेपाल देश के उन्नति प्रगति करल जाए और आए वाला चुनाव में केहू युवा संगठन और केहू भी हो उनके अपने हृदय से धन्यवाद दिया चाहता थी और एक साथ साथ एक और धन्यवाद दिया चाहता थी कि आए वाला ही हमन की विजयदशमी और छठ पर्व दीपावली के हार्दिक मंगल शुभकामना व्यक्त करत बाटी। धन्यवाद सर नमस्कार। ऐसे हमरे आज बातचीत कल गए चित्र रेखा थारू ओम सतिया पाँच शपी से और वहाँ एक समाजसेवी और साथ में राजनीति में भी प्रवेश कर चुकल बाटी अति वहाँ की फिर से हमारे धन्यवाद ऐसे कार्यक्रम देखल गए खुशी लागल। धन्यवाद ऐसे हमन के कुशल कैमरा पर्सन नारायण अनु के बीच से धन्यवाद और जाते जाते फिर राज की बात हमारे शिक्षित भर नई ज्ञानी बने कोशिश कल जाए तब भर के समाज असल हो सकी। एक हाथ हम संचालक राज विदा हो चाहब नमस्ते।